नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके ठाकरे के यूट्यूब चैनल पर। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि ये जो ग्राइंडर है ये आप कैसे यूज करना है इसको। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि कई लोगों का ये जो ये मिक्सी ग्राइंडर है ये जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होने का रीज़न क्या है, तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप मिक्सी ग्राइंडर को कैसे यूज करें ताकि आपका जो मिक्सी ग्राइंडर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले और आपका ये मिक्सी ग्राइंडर जल्दी से ख़राब ना हो। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं, हमने कुछ यहाँ पर दाल है वो पीस ली है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं इसका जो ब्लेड है, ये देख सकते हो बिल्कुल हल्का ब्लेड होता है यहाँ पर, बहुत ही नॉर्मल सा ब्लेड होता है। अगर इस ब्लेड में आप कोई सख्त चीज़ इसमें डाल दोगे तो ये ब्लेड टूट जाएगा और ये पूरा पूरा प्लास्टिक का होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने जब भी इसके अंदर दाल वगैरह या चावल वगैरह या कुछ भी आपने इसके अंदर ग्राइंड करना है, कुछ भी इसके अंदर पीसना है, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। पहले आपने ये देख सकते हो, हमने दाल को पहले से कल से पानी में भिगो के रख दिया, तो ये जो दाल है वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है, मतलब पूरी नरम हो गई है ये, ठीक है। आपने कभी भी इसके अंदर ग्राइंड करना है कोई भी चीज़, तो आपने पहले पानी के अंदर शाम को भिगो के रख देनी है और सवेरे इसको ग्राइंड करना है, ताकि आपका जो ये ग्राइंडर है जल्दी से ख़राब ना हो। और आपने इस ग्राइंडर को यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने तार को लगा लेना है, तो हमने तार को लगा लिया सबसे पहले। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों एक बार इसको चला के दिखाते हैं आपको, इसको आपने कैसे यूज करना है। आपने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बटन लगा होता है, तो आपने इसको ऑन करना है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो ये नीचे से ये चलने लगेगा, और आपने जब भी इसको दाल को ग्राइंड करना है तो इसके नीचे ऐसे रखना है, इसको दबाना है। इसको आप दबाओगे वैसे ये नीचे से ये चल जाएगा, ये देख सकते हो ये चल चुकी है। और इसको जैसे ये चलेगी तो वैसे आपने सीधा यहाँ पे नीचे प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों। और इसको एकदम से प्रेस नहीं करना है, बहुत ही आराम से प्रेस करना है, ताकि जो आपका ग्राइंडर है वो आराम से ऊपर से ये दाल को आराम से ग्राइंड कर सके। ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपने इसको दबा के रखना है, यहाँ से आपने दबा के रखना है, और कुछ इस टाइप से आप नीचे नीचे हल्का सा इसको ऐसे प्रेस करोगे तो ये जो दाल है आपकी बहुत ही आसान तरीके से ये ग्राइंड हो जाएगी, मतलब कि आसानी से ये आपकी दाल है जो पीसी जाएगी। ये देखिए, ये बहुत ही आराम से इसको हल्के से आपने प्रेस करना है, इसको ज़्यादा ज़ोर लगा के आपने इसको प्रेस नहीं करना है। अगर आप इसको ज़्यादा ज़ोर लगा के प्रेस करोगे तो आपको पता है इसके नीचे जो अभी हमने आपको जो पत्ती दिखाई थी बहुत ही छोटी पत्ती है और बहुत ही नॉर्मल पत्ती है, हल्की पत्ती है। तो अगर आप इसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करोगे तो वो आपकी पत्ती टूटने का डर है। तो आपने कुछ इस टाइप से बहुत ही आसानी से इसको ग्राइंड कर लेना, आप देख सकते हो इसको बहुत ही प्यार से ग्राइंड करना है, बहुत ही आराम से ये हल्का हल्का प्रेस करना है, और हल्का हल्का थोड़ा सा इसको ऐसे करके साइड में खींचते जाना है, साथ में इसको नीचे प्रेस करते जाना है, और आपकी जो दाल है वो यहाँ पे ग्राइंड हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको स्पेशल दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपका जो ग्राइंडर है वो जल्दी से ख़राब ना हो। और उसको आपने कैसे यूज करना है, ऐसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर लेना है। आपने इसको ऐसे टेढ़ा नहीं करना है, इस टाइप से टेढ़ा नहीं करना है। अगर आप इस टाइप से टेढ़ी करोगे उसको तो इसका जो पत्ती है वो टूटने का डर है। कुछ इस टाइप से आपने घुमाते जाना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो है ग्राइंड हो चुकी है, और आप लोग भी इस टाइप से इसको ग्राइंड कर सकते हो। ये देखिए, पूरी की पूरी जो दाल है ये ग्राइंड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है और इस टाइप से उंगली से इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। अभी जो हमने ग्राइंड किया है, पहले भी इससे काफ़ी सारा जो दाल है हमने ग्राइंड किया है, उससे हम जो बढ़िया है वो बना रहे हैं, तो हम आपको वो भी एक बार दिखा देते हैं वो भी कैसे बनती हैं। तो अभी हम इसको निकाल देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको यूज करना सीख ही गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास थोड़ी चीज़ है पीसने के लिए तो आपने इसका यूज करना है। अगर आपके पास ज़्यादा दाल है, अगर ज़्यादा चावल है, अगर ज़्यादा कोई सामान है, तो आपने ये जो ग्राइंडर है, ये देखिए आप, ये जो मिक्सी है, इस ग्राइंडर का आपने यूज करना है। आपको ये जो जग मिलता है, ये देख सकते हो, ये जो जग मिलता है, अगर आपके पास ज़्यादा दाल है, ज़्यादा चावल है, ज़्यादा कोई सामान है, तो आपने इस मशीन का यूज करना है। इस मिक्सी के अंदर आपने इस टाइप से इस जग को लगा के इसके अंदर डाल के इसको ग्राइंड करना है, ठीक है दोस्तों। अगर थोड़ी कोई चीज़ आपके पास तो आप इसका यूज कर सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा कोई चीज़ है तो आपने इसको यूज करना है,
ना कि इसको यूज करना है। अगर आप इससे ज़्यादा ग्राइंड करोगे तो ये जो पत्ती है ये आपकी घस जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी, और साथ में ये जो गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण इसकी जो मोटर है वो ख़राब होने का डर है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और इसको साफ़ करने के लिए हमेशा इसको सीधा ऐसे रखें और हल्के गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको ग्राइंड कर लिया था। अभी ग्राइंड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये लगाने के लायक हो चुकी है, और यहाँ पे कुछ दाल बड़ी इस टाइप से आप यहाँ पे लगा सकते हो, और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने ग्राइंडर से दाल को पीस सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।